स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो आज करेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि है डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल। अब ये एसक्यूएल क्या आ गया? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हम नेक्स्ट यूनिट से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। ये लैंग्वेज किस काम आती है? टेबल्स बनाने के काम आती है। जो अभी तक हमने पीछे टेबल पढ़े थे ना, इन सभी के एक अलग से सॉफ्टवेयर है। जैसे C++ का प्रैक्टिकल करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर देखा था ना, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड का प्रैक्टिकल किया था, इसी तरह एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का भी एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम टेबल्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि पहले खाली टेबल कैसे बनाते हैं। खाली टेबल यानी कि हम कॉलम्स के नाम देंगे, कि भाई हमारे टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, फिर उन कॉलम्स में हम डाटा डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट सारी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है ये। C++ से सब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ तुमको होते हुए दिखाई देगा। टेबल बनाओगे, टेबल तुमको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जो भी तुम नाम दोगे वो आ जाएगा। तो जैसे C++ थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, SQL बहुत इजी लैंग्वेज है। तो ये टॉपिक वैसे तो नेक्स्ट यूनिट में ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस यूनिट में ये ऐड किया हुआ है लास्ट में। सिलेबस में देखना डाटा टाइप इन SQL, तो हम इस यूनिट में इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट से SQL शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला डाटा टाइप हमारे पास कैर या फिर कैरेक्टर। अब इस डाटा टाइप का क्या काम है? इट होल्ड्स ए फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी कि एक फिक्स लेंथ के कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है किसी चीज का कलेक्शन। ठीक है, वो चीज लेटर्स भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैर या फिर जो कैरेक्टर डाटा टाइप है एसक्यूएल का, वो क्या स्टोर करता है? कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर क्या होते हैं? ABCD। ठीक है, द फिक्स्ड साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स के बीच में हम फिक्स साइज स्पेसिफाई कर देते हैं, बता देते हैं। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। 255 कैरेक्टर्स तक इसकी लिमिट है स्टोर करने की इस डाटा टाइप की। अब जो है इसके सिंटेक्स और एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा। जब हम नेक्स्ट यूनिट में कॉलम बना रहे होंगे ना, तो हम वो कॉलम कैसे बनाएंगे, उस कॉलम का डाटा टाइप कैसे बताएंगे? हम पहले लिखेंगे उस कॉलम का नाम। ठीक है, वो कॉलम किस डाटा टाइप का होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कॉलम नेम, फिर लिखेंगे कीवर्ड, लिखेंगे CHAR कैर, और ब्रैकेट्स में साइज बता देंगे, और फिर लगा देंगे सेमी कॉलम। ठीक है, अब जैसे एड्रेस वाला कॉलम बना रहे हो तुम, तो तुमने कॉलम नेम दे दिया एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के बाद तुमने कीवर्ड लिखा कैर, और तुमने जो फिक्स साइज है वो बता दिया 50, और सेमी कॉलम लगा दिया। अब इस 50 का क्या मतलब है? ये बार बार इसमें फिक्स वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे? फिक्स लेंथ, इट होल्ड्स ए फिक्स लेंथ। ये फिक्स लेंथ क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे जो साइज है उस कॉलम में हम जो भी कुछ लिखेंगे उसका साइज जो है हम पहले से ही फिक्स कर रहे हैं, 50। यानी कि जो हम एड्रेस लिखते हैं, मान लो किसी स्टूडेंट का, वो 50 जो कैरेक्टर्स का तो होना ही होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 50 का हमने बता दिया, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इसीलिए जो कैर या फिर कैरेक्टर डाटा टाइप है एसक्यूएल का, इसको हम फिक्स्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ना इससे कम ना इससे ज्यादा, 50, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इट इज फिक्स लेंथ, यानी कि किसी स्टूडेंट का एड्रेस लिखोगे तो वो 50 अल्फाबेट्स का ही होना चाहिए, समझ गए? और मैक्सिमम तुम साइज कितना लिख सकते हो?
255 कैरेक्टर्स तक। अब चलते हैं आगे, फिर आ गया वेर कार बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। ये वेरिएबल लेंथ होता है, इसमें क्या होता है, इट होल्ड्स ए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। देखो डेफिनेशंस में अंतर देखना, इट होल्ड्स ए फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, और यहां पे हो गया इट होल्ड्स ए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है। देखो वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके, फिक्स का मतलब होता है जो फिक्स कर दिया। द मैक्सिमम साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथिसिस, जो मैक्सिमम साइज होगा वो हम बताएंगे वेर कैर के साथ। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर, ये भी 255 तक स्टोर कर सकता है। अब उसी तरह एड्रेस कॉलम, कीवर्ड वेर कैर, और अब की बार हमने जो साइज किया है वो शो किया है। अगर वेर कैर है, वेर कैर है, तो इस शो का मतलब है कि ये मैक्सिमम साइज है, शो शो से ज्यादा अल्फाबेट ये स्टोर नहीं करेगा, ठीक है, इससे कम बेशक हो जाए, ठीक है। और इसका साइज भी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 255 तक, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल कैरेक्टर, ये डाटा टाइप है खाली, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। फिर आ जाता है इंटीजर। इंटीजर तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है सी प्लस प्लस में, लेकिन ये है एसक्यूएल का, जिसको हम INT लिखते हैं और बोलते क्या है, इंटीजर। इट होल्ड्स होल नंबर बिटवीन -32,768 से लेके प्लस में 32,777 तक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स में बी स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखो अभी तक हम एड्रेस वाला कॉलम बना रहे थे टेबल के अंदर, अब हमको रोल नंबर वाला बनाना है, ठीक है। तो रोल नंबर वाला कॉलम तो ना तो कैर में हो सकता ना वैर कैर में हो सकता, क्योंकि कैर और वैर कैर तो किस लिए हैं, ABCD के लिए। इसलिए हमको इंटीजर चाहिएगा ना रोल नंबर के लिए, तो रोल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो कॉलम का नाम दिया हमने रोल, डाटा टाइप लिया हमने इंट इंट, और साइज बता दिया 5, यानी कि मैक्सिमम 5 डिजिट तक आ सकते, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे, अब एक हो गया बेटा डेक या फिर डेसिमल, ठीक है। इट होल्ड्स डेसिमल नंबर्स, डेसिमल यानी पॉइंट्स वाले नंबर, ठीक है। टोटल साइज ऑफ नंबर इज स्पेसिफाइड इन साइज, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड इन पी, विच मीन्स प्रिसीजन। इसका हम देखते हैं, देखो अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज वाली चीज हमेशा पॉइंटों में आएगी, ठीक है। तो उसमें हम इंटीजर डाटा टाइप तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर तो क्या होगा, पॉइंटों में लेगा नहीं, होल नंबर लेता है वो, तो पूरे नंबर 1 2 3, ठीक है। लेकिन अगर हमको पॉइंटों में कुछ चीज स्टोर करवानी है, कोई कॉलम बनाना है स्टूडेंट के परसेंटेज के लिए, तो उसके लिए कॉलम का नाम दे दिया हमने, जैसे कॉलम का नाम देंगे सबसे पहले सिंटेक्स देखो, फिर डेसिमल कीवर्ड लिखेंगे। अब मेन चीज आती है ये दो चीज इस ब्रैकेट के अंदर, एक होता है साइज। साइज का मतलब होता है कि पॉइंट से पहले साइज, देखो एक होता है साइज, फिर कोमा लगा के हम लिखेंगे पी, इस पी का मतलब है प्रिसीजन, ठीक है। इस साइज का मतलब तो क्या है कि हम टोटल टोटल बताएंगे कि भाई हमारा टोटल वर्ड किस साइज का होगा, यानी कि जैसे 34.65 है, यानी कि 34.65, तो इसमें टोटल कितनी डिजिट होगी, 4, ठीक है। और पी क्या होता है, प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब है पॉइंट के बाद तुमको कितने स्टोर करवाने हैं ये बताना होता है। तो 0.65 है ना, तो हम पी में लिखेंगे 2, ठीक है। अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज नाम से कॉलम बनाया, डेसिमल उसका डाटा टाइप बताया, और फिर यहां पे देखो साइज में तो हमने लिख दिया 4, ठीक है। इस 4 का मतलब हो गया कि भाई टोटल जो संख्या होगी पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और इस पी को, प्रिसीजन को हमने बताया 2, इससे जो है कंप्यूटर ये समझ गया कि भाई पॉइंट के बाद 2 लेने हैं, ठीक
ठीक है, यानी कि चार में से दो तो चले गए पॉइंट के बाद, यानी कि पहले कितने रह गए, दो रह गए। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, ऐसे जैसे 65.72, 70.23, इस टाइप से। ठीक है, अब ये बता रहे हैं इस साइज की, जो ये साइज है, ठीक है, ये साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 65, और पी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 30। ठीक है, ये कुछ नहीं याद करने वाली चीज़ है ये तो। ठीक है, और अगर तुमने इस साइज और पी को कॉलम बनाते हुए नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट साइज की वैल्यू होती है 10 और बाय डिफॉल्ट पी की वैल्यू होती है 0। ठीक है, समझ गए, तो तुमको मैक्सिमम वैल्यू भी पता लग गई, मैक्सिमम वैल्यू साइज की कितनी है, 65 तक दे सकते हो, और अगर नहीं दी कुछ भी तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट कितनी मानेगा, 10। इसी तरह पी जो प्रिसीजन है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए तुमको, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 30, और तुमने अगर वैल्यू नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट 0, यानी कि वो पॉइंटों में लेगा ही नहीं, पॉइंट के बाद एक भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये थे चार डाटा टाइप, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, यूनिट खत्म हो गई है, सभी आज कॉपी चेक करवाएंगे, सभी का मतलब सभी, आज आज में कॉपी चेक हो जानी चाहिए, किसी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ओके, थैंक यू।